गेहूं की कटाई के बाद अब पंजाब के भटिंडा जिले में कपास की बिजाई शुरू हो गई है। मई के पहले सप्ताह में कपास की बिजाई जोरों पर होगी। वहीं किसानों को पूरी बिजली न मिलने से इस बार कपास की बिजाई में देरी हो सकती है। जिले में सबसे अधिक कपास संगत रामा मंडी व तलवंडी साबो क्षेत्र में बोई जाती है। इस क्षेत्र का इलाका ऊंचा होने के कारण नहर के पानी की भारी किल्लत है, जिससे किसान जमीनी पानी से अपनी फसल उगाते हैं। अब तक जिले में 2000 हेक्टेयर में कपास की बिजाई हो चुकी है। इस बार लंबे समय तक बिजली कट की वजह से किसानों को कपास की बिजाई करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बार बीते साल के मुकाबले जिले में 4000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में कपास बोने का लक्ष्य है। पिछले वर्ष जिले में 76000 हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की बिजाई हुई थी, जबकि इस बार विभाग ने 80000 हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की बुआई का लक्ष्य रखा है। बीते साल गुलाबी सुंडी ने मालवा क्षेत्र में कपास की फसल को पूरी तरह से बात कर दिया था, जिससे किसान इस बार कपास बोने से डर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कृषि विभाग किसान से धान की जगह कपास का रकबा बढ़ाने की अपील कर रहा है। कृषि विदों का तर्क है कि सफेद मक्खी ने 2015 में कपास की फसल को नष्ट कर दिया था, लेकिन अगले साल कपास की बम्पर फसल देखी गई। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि ये जरूरी नहीं है कि गुलाबी सुंडी ने बीते साल कपास पर हमला किया था जो इस बार फिर हो, मगर गुलाबी सुंडी के हमले के डर से कई किसान एजेंटों की आड़ में गैर कानूनी कपास की बुआई भी कर रहे हैं। बुआई को सर्वोत्तम समय 15 अप्रैल से 15 मई तक का है। साथ ही मुख्य कृषि अधिकारी ने कहा है कि विभाग कपास की बुआई के लिए लगातार किसानों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, वे किसानों को प्रेरित भी कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि विभाग द्वारा 80000 हेक्टेयर में कपास की बुआई का लक्ष्य हर साल में हासिल किया जाएगा। इस बार कपास की अच्छी कीमत मिली है, जिससे किसान कपास की बुआई कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।